प्रेमी सज्जनों की सेवा में श्री राम जन्मभूमि विषय पर कुछ रागनियां पेश हैं। प्रेमियों, पुराने समय में हमारे भारतवर्ष में अनेक हिंदू रियासतें थी और सन 800 के लगभग इराक से पहला हमलावर बिन कासिम आया, जिसने सिंध बलोचिस्तान के ब्राह्मण शासक दाहिर पर आक्रमण किया तथा उसको छल से मारकर उसकी दो कन्याओं सूरज कौर व परमल कौर को अपने खलीफा बगदाद के पास भेज दिया। उसके बाद महमूद गजनवी तथा अन्य लुटेरे आए, जिनमें मोहम्मद गोरी प्रमुख था, जिसने दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान पर 1192 में आक्रमण किया तथा दिल्ली का शासक बन गया। उसके बाद उसके गुलाम अल्तमस को गद्दी पर बैठाया गया तथा एक लंबे अरसे तक मोहम्मद गोरी के ये गुलाम दिल्ली पर शासन करते रहे। गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश का दिल्ली पर शासन चलता रहा। सन 1526 में बाहर से बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया तथा पानीपत के युद्ध में उसे हराकर दिल्ली का शासक बन गया। बाबर ने अपने शासन काल में बहुत से मंदिर तुड़वाए तथा उनके स्थान पर मस्जिद बनवाई। इनमें मथुरा व बनारस के मंदिरों के अतिरिक्त अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर प्रमुख है। बाबर से पहले किसी भी मुसलमान शासक ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। अतः वह बर्बर बाबर जो कि एक हमलावर था, उसने राम मंदिर को तोड़कर पहले के सभी मुसलमान शासकों की मर्यादा को तोड़ दिया, तो उस शैतान को धिकारती हुई हमारी आत्मा की चीख कुछ यूं कह उठती है। बदी के बोदिए बाबर हमलावर शैतान तने, राम जन्म भूमि को ढाके के मिल गया बेईमान तने, के मिल गया बेईमान तने। बीर बदी के बोदिए बाबर हमलावर शैतान तने, राम जन्म भूमि को ढाके तुझसे पहले भी मुसलमानों ने वर्ष कई सो राज किया, तुगलक लोदी मिल के रह गए, कुछ भी नहीं आकार किया। हिंदू मुस्लिम एक रहे ना, आपस में तिराज किया। दिवाली और ईद मनाई, कोना अलग रिवाज किया, कोना अलग रिवाज किया। खिलजी और गुलाम वंश से, खिलजी और गुलाम वंश से, न शिक्षा दी शैतान तने, राम जन्मभूमि को ढाके के मिल गया बेईमान तने, के मिल गया बेईमान तने। वीर बदी के बोदिए बाबर हमलावर से, हिंदू मुस्लिम
मिलजुल के यहाँ पहले से भी रहते थे। सूफी पीर फकीर ओलिया ना कुछ न्यारी कहते थे। सब हिंदी है हिंद निवासी एक धारा में बहते थे। खुदा राम रहमान एक है रहा धर्म की कहते थे। रहा धर्म की कहते थे ना मंदिर मस्जिद ढहते थे। ना मंदिर मस्जिद ढहते थे। ये क्यों हो गया खपकान तने राम जन्मभूमि को ढाके। ये मिल गया बेईमान तने। ये मिल गया बेईमान तने। दीन पति के वो दिए बाबर हमलावर शैतान तने। राम जन्मभूमि को ढाके। ये मिल गया बेईमान तने। ये मिल गया बेईमान तने। जंगीर खान तैमूर गजनवी बन के आए लुटे थे। कभी यहाँ और कभी वहाँ ये डाकू वाले फेरे थे। नादिर शाह और अहमद शाह गए बांध लूट के दे थे। राज नहीं करना था उनको दिए हिंद के घेरे थे। दिए हिंद के घेरे थे। एक बादशाह की हस्ती का बादशाह की हस्ती का ना समझा धर्म ईमान तने। राम जन्मभूमि को ढाके। ये मिल गया बेईमान तने। ये मिल गया बेईमान तने। बीर पदी के बोए दिए बाबर हमलावर शैतान तने। राम जन्मभूमि को ढाके। ये मिल गया बेईमान तने। ये मिल गया बेईमान तने। प्यार से रहते थे। तू वो गया बीज कबीले में कौन सी बात भली लगी मंदिर तोड़न के हीले में। अजमेर शरीफ कुतुब में मिल देना हिंदू मुस्लिम गिले में। न प्रेम गुरु से शिक्षा ली तन जाके पापी टिल्ले में। जाके पापी टिल्ले में। राम रतन ते बुझा होता। राम रतन ते बुझा होता। धर्म का सही निजान तने। राम जन्मभूमि को ढाके। ये मिल गया बेईमान तने। ये मिल गया बेईमान तने। बीर पदी के बोए दिए बाबर हमलावर शैतान तने। राम जन्मभूमि को ढाके। ये मिल गया बेईमान तने। बाबर के बाद हुमायूं तथा फिर अकबर व जहांगीर दिल्ली के शासक बने। जहांगीर के समय में लगभग 1,00,000 संत इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अयोध्या पहुंचे। लड़ाई हुई जिसमें कम से कम 2,000 संत मारे गए। इसके बाद शाहजहां के शासनकाल में फिर संतों ने वे राम भक्तों ने इस मंदिर को अपने कब्जे में लेना चाहा और इस लड़ाई में भी 1,000 राम भक्त मारे गए। कुछ समय बाद गोरी सरकार यानी के अंग्रेजी सरकार का दिल्ली पर शासन कायम हो गया।
और यह मसला ज्यों का त्यों बना रहा। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया तथा पाकिस्तान व हिंदुस्तान का विभाजन हो गया। सन 48 में मंदिर में मूर्ति स्थापित कर दी गई तथा उसके बाद कोई भी मुसलमान भाई वहां नमाज अदा करने नहीं गया और अब लगभग 10-11 वर्षों से इस मंदिर में बराबर रामायण पाठ व भजन पूजा चल रही है। अब अक्टूबर 90 में जब अनेक धर्माचार्यों एवं मंदिर समितियों ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा की तो सत्ता के भूखे लोगों ने इसे राजनीतिक जामा पहनाया तथा इसमें रोड़ा अटकाया, जबकि कुछ को छोड़कर प्रायः सभी मुसलमान भाई मंदिर निर्माण के लिए सहमत थे। तो धार्मिक भावनाओं को राजनीति में आप क्यों घसीट रहे हैं, यह प्रश्न हम पूछ रहे हैं सत्ता के इन भूखे भेड़ियों से और कह रहे हैं कि सारे भेदभाव छोड़कर आप हमारे रोम रोम में रमे राम के मंदिर को क्यों नहीं बनने दे रहे हो। हम पूछते हैं, आप जवाब दीजिए। होश में आओ नेता गण, मत राजनीति फैलाओ, देकर के सहयोग राम मंदिर निर्माण कराओ। होश में आओ नेता गण, मत राजनीति फैलाओ, देकर के सहयोग राम मंदिर निर्माण कराओ। जन्मे राम योद्धा में तुम क्या प्रमाण मांगते हो, इंसाफ अदालत हाई कोर्ट से क्या पहचान मांगते हो। मंदिर बाबर ने ढाया है इतिहास का ज्ञान मांगते हो। मरते कटे हुए वर्ष 500 कितने बलिदान मांगे हो, ना इम्तिहान मांगते हो, कितने इम्तिहान मांगते हो। हमें साफ साफ बतलाओ, होश में आओ नेता गण, मत राजनीति फैलाओ, देखकर के सौ 400 गज भूमि का नाए भावनाओं का प्रश्न है, ये देश की गरिमा गौरव का और राम की धरती का मन है। राम नाम के रंग में डूबा इस धरती का कण कण है, मरकर हम राम सत कहते जीवन का राम नाम धन है। हिंदुत्व भाव का प्रश्न है, हिंदुत्व भाव का प्रश्न है, इसे नूमत ना ठुकराओ, होश में आओ नेता गण, मत राजनीति फैलाओ, देकर के कराओ, होश में आओ नेता गण, मत राजनीति
लोभ में 47 में न्यारा पाकिस्तान बचा। देश एक कानून गणे नू भारत का संविधान बचा। जगह जगह झगड़े चिंते हैं नारा धर्म ईमान बचा। हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं है फिर क्यों ये इंसान बचा। टुकड़ों में हिंदुस्तान बचा, टुकड़ों में हिंदुस्तान बचा। इसे आगे मत बटवाओ, होश में आओ नेता गण मत राजनीति फैलाओ। देखल के सहयोग राम निर्निर्माण कराओ, होश में आओ नेता गण मत राजनीति फैलाओ। हिंदू मुस्लिम सब मिल करके मंदिर का निर्माण करो। जो फूट गिरता आपस में मत उसकी ओर को जान करो। एक छोटा सा मसला है क्यों भारत का नुकसान करो। प्रेम गुरु के चरणों में सब मिलके हरि गुण गान करो। राम रतन मसी अभिमान करो, राम रतन मसी अभिमान करो। इसे मिलके देश चलाओ, होश में आओ नेता गण मत राजनीति फैलाओ। लेकर के सहयोग राम सबको पता है कि राम अयोध्या में लगभग 5000 वर्ष पूर्व पैदा हुए। और ये भी सबको पता है कि बाबर 1526 में बाहर से आया एक हमलावर था। फिर इस मसले पर यह प्रश्न कहां पैदा होता है कि हम अदालत से यह फैसला करवाएं कि यह राम जन्म मंदिर है या बाबर की मस्जिद। इतिहास साफ प्रमाण दे रहा है, यूं तो हिंदुस्तान में असंख्य मस्जिदें हैं, अन्य को कौन कहता है कि यह मस्जिद नहीं है, यहां मंदिर था। और फिर ये सोचो कि ये राम भक्त अपने प्यारे राम को जो कि हर पल उनके दिल में विराजमान है, जो उन्हें प्राणों से प्यारा है, जिस राम की खातिर अनगिनत राम भक्त अपने राम के मंदिर बनवाने के लिए जहांगीर के समय से ही प्राण त्याग रहे हैं, उस प्यारे प्यारे राम के असली जन्म स्थान को छोड़कर कौन अन्य स्थान पर बताता और उस बात पर अपने प्राणों की आहुति देता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्री राम का जन्म स्थान तो वही है जहां मंदिर बनवाने के लिए राम भक्त अपने प्राणों की आहुति देने को लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा कौन है जो अपनी मां को बदलकर दूसरे की मां को अपनी मां बनाएगा। और इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत राम भक्तों व साधु संतों ने 30 अक्टूबर सन 90 को मंदिर निर्माण कार्य के लिए अपना जय घोष बजाया। और ये देखिए, ये संत जन तो अयोध्या की ओर राम मंदिर निर्माण के लिए पहले से ही चल पड़े हैं और जनता को क्या संदेश सुना रहे हैं। संतों का समाज तुमको दे रहा आवाज, भाइयों नींद तजो आज टाइम ये सोने का नहीं,
वृथा कोने का नहीं। साधु संतों का समाज तुमको दे रहा है नींद तो आज टेम ये कोने का नहीं वृथा कोने का नहीं। समदम तब संतोष क्षमा की बातों को समझाते थे। पाप से करके दूर भावना शांति की बतलाते थे। पाप से करके दूर भावना शांति की बतलाते कहते। जाग तू भारत वीर उठा लूंगे हाथों में शमशीर बन के राम लखन से वीर यज्ञ मेरा होने का नहीं। साधु संतों का समाज तुमको दे रहा है आवाज भाइयो नींद था तो आज ठेमिए कोने का नहीं दशरथ की संतान में है। ऋषि दधीचि हड्डी डेरा वो व्रतासुर मैदान में है। चंद्रगुप्त क्यों सोवे पड़ा ऋषि चाणक्य इसी में जान में है। चंद्रगुप्त क्यों सोवे पड़ा ऋषि चाणक्य इसी में जान में। हाँ ध्यान में है नहीं धर्म की मेरे सोवे पड़ा थली पैसे चवालिस साल सहे अंधेरे बोझे अब ढोने का नहीं। साधु संतों का समाज तुमको दे रहा आवाज भाइयो नींद था जो आज टेम ये स्थानी प्रताप उठो यूपी से झांसी की रानी मंगल पांडे आप उठो गुरु गोविंद सिंह पंजाबी और गुरु अंगद देव खिलाफ उठो। गुरु गोविंद सिंह पंजाबी और गुरु अंगद देव खिलाफ उठो। वो तू भामा शामत करियो देर ले आ अब मोहरों के ढेर क्यों शार बने हो शेर समय ये खोने का नहीं। साधु संतों का समाज तुमको दे रहा आवाज भाइयो नींद था जो आज ठेम ये खोने का नहीं कोने का नहीं।
चंडी का तेज कृपाण उठा, बिंद हिमालय गरज रहे और सागर में तूफान उठा। उस जयचंद और मान सिंहों का मेट दियो अभिमान उठा, जयचंद और मान सिंहों का मेट दियो अभिमान उठा। तू राम रतन तू भी उठा ले हाथ अपने, कागज कलम दबाते ये है जन्मभूमि की बात, झगड़ा झोंने का नहीं साधु। वे संतों का समाज तुमको दे रहा आवाज, भाइयों नींद जो आज के मिले सोने का नहीं, मेरे साथ सोने का नहीं। और एक बार फिर इतिहास ने अपना पन्ना दोहराया, लाख रुकावटों के बावजूद भी असंख्य संख्या में राम भक्त फिर एक बार अयोध्या पहुंचे हैं। राम भक्तों की फिर एक बार आहुतियां हुई हैं और इन्हें अपने उद्देश्य में एक बार फिर असफल होना पड़ा है। मंदिर निर्माण की लड़ाई जारी रहेगी, इसलिए है मेरे प्यारे बंधुओं, यदि आप करोड़ों भक्तों की आत्मा की आवाज सुन रहे हो तो सुनो। जन्मभूमि भाइयों फिर से बलिदान मांगती है, सोए हो जाग गए लेनाई में जान मांगती है, ये राम जन्मभूमि भाइयों फिर से बलिदान मांगती है, ये राम जन्मभूमि भाइयों फिर से बलिदान मांगती। पता गोरा बादल वीर कहां, दुर्गावती पद्मनी की खिलजी देखे तस्वीर कहां, तुम हिंदी हिंद के वासी हो नारी नारी जागीर कहां, कच्ची कुर्मी हरिजन गुजर ब्राह्मण जात ही गोरी को मारे तीर वो पृथ्वी, गोरी को मारे तीर वो पृथ्वी, राज चौहान मांगती है ये राम जन्मभूमि भाइयों फिर से बलिदान मांगती है, सोए हो बलिदान मांगती है, ये राम जन्मभूमि भाइयों फिर से बलिदान मांगती है। उस्मान सिंह कुल घाती की तुम्हें करनी होड़ नहीं चाहिए, जयचंद से बेईमान देश का झुक जा मोड़ नहीं चाहिए, अपना मंदिर बनवाना इधर
उधर की दौड़ नहीं चाहिए। तुम अमर सिंह राठौर उठो, हमें अर्जुन गोल नहीं चाहिए। काबुल बलख बुखारे तकिए, काबुल बलख बुखारे तकिए। अब हिंदुस्तान मांगती है राम जन्मभूमि भाइयों तेरे बलिदान मांगती है। ओए हो या जाग गए ले राम जन्म मांगती है, राम जन्मभूमि भाइयों फेरे से बलिदान मांगती है। ये राम जन्मभूमि भाइयों फेरे से बलिदान मांगती। टीपू सुल्तान चाटो पैसे चाहिए वीर सुभाष हमें, जोरावर और फतेह सिंह सर हिंद के चाहिए पास हमें। राजगुरु चंद्रशेखर और भगत सिंह की आस हमें, वीर सावरकर रास बिहारी दिखलाओ पर काश हमें। उस बिन कासिम की लाश को दाहिर, बिन कासिम की लाश को दाहिर की संतान मांगती है। ये राम जन्मभूमि भाइयों फेरे से बलिदान मांगती है। सोए हो या जाग गए ले राम जन्म मांगती है, राम जन्मभूमि भाइयों फेरे से बलिदान मांगती है। कायरता का बाणा त्यागो, केसरिया बाणा धारना है। किसी तरह मंदिर बन जाए यही हमारी धारणा है। प्रेम गुरु शक्ति दे कलम में जब तक नहीं हारना है। जब तक मंदिर नहीं बने ना नीचे कर्म डालना है। कह राम रतन रस खान रहीम से, राम रतन रस खान रहीम से मुसलमान मांगती है। ये राम जन्मभूमि भाइयों फेरे से बलिदान मांगती है। सोए हो या जाग गए ले राम जन्म मांगती है, ये राम जन्मभूमि भाइयों फेरे से बलिदान मांगती है। ये राम जन्मभूमि भाइयों फेरे से बलिदान मांगे। अब सवाल इस बात का उठता है कि यदि कोई शक्तिशाली आदमी किसी दुर्बल या गरीब आदमी की वस्तु पर कब्जा कर ले तो पहले तो उस दुर्बल की चीख पुकार को कोई इसलिए नहीं सुने कि क्योंकि वह दुर्बल है। और हमेशा से ही शक्तिशाली कमजोरों पर शासन करते रहे हैं, और जब वह दुर्बल सबल हो गया और वह अपनी वस्तु पर अपना कब्जा मांगता है तो उसे फिर ये कह दिया जाए कि क्योंकि एक लंबे अरसे से इस वस्तु पर उस अमुक शक्तिशाली आदमी का कब्जा रहा है, अब यह वस्तु उसी की होगी जिसका कब्जा था, तो फिर तो ये कोई इंसाफ नहीं हुआ। ये कैसा इंसाफ है? इस मानता के अनुसार तो हमारे देश पर अंग्रेजों का लगभग 200 वर्षों तक कब्जा रहा है और अनेक आंदोलन कुचल दिए गए।
तो फिर लंबे अरसे तक काबिज रहने के कारण भारत को अंग्रेजों का क्यों नहीं मान लिया गया? क्यों उनका गिरेवान पकड़कर उनसे छीना है? इसलिए हे मेरे बंधु, अब ये राम भक्त जो बार बार राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या जाते हैं और असफल रह जाते हैं, ये संत चलकर आपके द्वारे पर भी आ गए हैं और आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। इसलिए हे मूर्धज की संतानों, ये कृष्ण व अर्जुन आपके द्वार पर हैं और आपके ईमान की परीक्षा के लिए आपके धीर ध्वजों को मांग रहे हैं। जरा इनके अंतःकरण की आवाज तो सुनिए। नींद नशे में सोवे से क्यों चादर तान के, जगा रहे हैं संत तेरे द्वारे पे आन के। शासन का जब इस भूमि पे बार हुआ तो साक्षात नारायण का तेरे अंदर अवतार हुआ। जब जब हुई धर्म की हानि पाप रे अत्याचार हुआ, ए हिंद कौम तेरे अंदर से, हिंद कौम का खुद उपचार हुआ। तन दिया पापी को दंड ना बख्शा, दिया पापी को दंड ना बख्शा, अपना मान के नींदन से मैं क्यों सोवे से चादर तान के। धर्म आरी है वेद भाव तज जो मन के, जुलम को सहना ठीक नहीं है, दंग ये है कायर पण के। बिछड़े गले लगाओ सबको एक माला के है मन के, खोज मिटा दो कुरुक्षेत्र की, खोज मिटा दो भूमि में दुर्योधन के, जात मजहब का भेद छोड़ दो, जात मजहब का भेद छोड़ दो, समय पिछाण के नींद से मैं क्यों सोवे से चादर तान के। सिम से औरंगजेब तक
बारी जुलम कमाल सहे, अब तेरे घर में नाग पड़े, गैरों के ढेर बपाल सहे। हद हो लई सहन की भाई, राजनीति के जाल सहे। इनकलाब कहो जिंदाबाद, हाँ इनकलाब कहो जिंदाबाद, भरते खूनों के ताल सहे, फूट में मौज हकूमत करेगे, फूट में मौज हकूमत करेगे। हम पिछड़े मान के नींद में से मैं क्यों सोए से, अब तज के ममता मेरे उठो, बिखरी सीख बुहारी बांधो, काटो जुलम सके उठो। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर हर बम बम तेरे उठो, क्या थारी नींद नहीं उतरी है, क्या थारी नींद नहीं उतरी है, ऐसा क्या अंधेर उठो। तू राम रतन बन शेर तिलक कर, राम रतन बन शेर तिलक कर, हिंदुस्तान के नींद नसीब क्यों सोवे से, अपने मुस्लिम भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं कि भाइयों, ये तो आप भी मानते हैं कि भाई भाई की विचारधाराएं समान नहीं हो सकती। एक अच्छे विचार का हो सकता है तो दूसरा बुरे विचार का, इसी प्रकार से पिता पुत्र भी अच्छे बुरे हो सकते हैं और एक कौम के सभी बादशाह भी अच्छे या बुरे नहीं हो सकते। एक जाति के सब लोग भी अच्छे या बुरे नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई भी इंसान अच्छा या कोई भी बुरा हो सकता है, चाहे वह हमारा हो या पराया। इसलिए हमें तो अच्छे विचारों के इंसान को अपना मानना चाहिए और बुरे को पराया मानना चाहिए, बेशक हमारा उससे खून का रिश्ता ही क्यों ना हो। जब आप सबको पता है कि बाबर एक हमलावर था, उसने राम मंदिर तोड़ा है, उसने मुस्लिम शासक इब्राहिम लोदी से युद्ध किया है, तो आप उस बाबर को अपना क्यों कहते हो? अच्छे विचारों वाले अकबर को अपना मानिए, रहीम रसखान को अपना मानो। आप इस धरती में जन्मे हो, इस भारत भूमि में पले हो, बड़े हुए हो, यहां की संस्कृति एक है, ये देश एक है, यहां धर्म निरपेक्ष राज है। उसे बाबर हमलावर के करतूत को पहचानिए और प्रेम से राम मंदिर निर्माण में सहयोग दीजिए। आप हमारे भाई हैं। मेरा तुमसे एक सवाल, हाल कहो मुसलमान मेरे भाई। मेरा तुमसे एक सवाल, हाल कहो मुसलमान।
धरती में जन्मे हो और खेले कूदे साथ साथ, संस्कृति और देश एक है, नारी नहीं कोई बात, बाबर से क्या रिश्ता थारा, क्यों फिर करते हो उत्पात, बाबर से क्या रिश्ता थारा, क्यों फिर करते हो उत्पात। हमलावर था बाबर वो, फूट का गया बीज गेर, राम जन्म भूमि तोड़ी, सिखा गया तेरे मेरे, इब्राहिम लोदी से लड़, लाशों के लगा गया ढेर, इब्राहिम लोदी से लड़, लाशों के लगा गया ढेर, थी उसे जुला में करण की बाण, ध्यान करो हा बाबर, अन्यायी मेरा तुम से एक सवाल है, हाल कहो मुसलमान मेरे भाई, हो मेरा तुम से एक सवाल है, हाल कहो सात साल राख्या बंद, दाराशी को हो कतल करा, खास बड़ा जो फरजंद, फिर भी आलमगीर कहते हुए तुम मती बंद, फिर भी आलमगीर कहते हुए तुम मती बंद, बंद करो को मी पर चार हार का पाला देता दिखाई, के बाद तुम्हें कहो भेदभाव क्या है, सर्वधर्म एक समझो बोलो तुम्हें दुराव क्या है, फिर भी हिंदू राज कहते बोलो तुम्हें चाव क्या है, फिर भी हिंदू राज कहते बोलो तुम्हें चाव क्या है, धर्म निरपेक्ष राज मारा देख लियो संविधान, भेदभाव नहीं करते फिर भी क्यों रहे नारे मान, हिंद के निवासी सब हैं वतन मारा हिंदुस्तान, हिंद के निवासी सब हैं वतन मारा हिंदुस्तान, जान कर देखो नजारे पसार, करे सरकार थरे मन चाही, ओ मेरा तुम से एक सवाल है, हाल कहो मुसलमान मेरे भाई, ओ मेरा तुम से एक सवाल है, हाल कहो मुसलमान मेरे भाई।
करा हिंदुओं से ले ली राड, थारे ऊपर बलि दे दी नथू से भगा क्या राड, फिर भी दोष देते हो तुम बीच में लगाओ बाड़, फिर भी दोष देते हो तुम बीच में लगाओ बाड़। इस दुनिया में खोटी मंदी सदा ना एक साथ रहें, आपस में मिल के सुलझाओ एक फिर विचार रहें, एक राष्ट्र एक धारा एक बन परिवार रहें, एक राष्ट्र एक धारा एक बन परिवार रहना। राम रतन संसार भार दो, मेट मिटे दुख दाई मेरा, तुमसे एक सवाल हाल कहो मुसलमान मेरे भाई, हो मेरा तुमसे एक सवाल हाल कहो मुसलमान। और अब हम देश के उन कर्णधारों भविष्य निर्माताओं नेताओं से जो हिंदुस्तान की बागडोर को हाथ में लिए हुए हैं या फिर इस बागडोर को अपने हाथ में लेने की कोशिश में हैं कुछ पूछना चाहते हैं कि आप क्या राम जन्मभूमि मंदिर को एक समस्या बनाकर क्यों उलझाए हुए हैं? क्या आप इस बहुसंख्यक जन समुदाय की भावनाओं को कुचलना चाहते हैं? क्या यह समुदाय इतना बदनसीब है कि इसके हिस्से में सदैव से ही यही आया है कि इसके ऊपर जुल्म और सितम होते रहे और ये अत्याचारों की कड़वी घूंट पीकर आह भी ना करे? हम पूछते हैं कि आप सब कर्णधार सहयोग करके तुरंत श्री राम मंदिर का निर्माण क्यों शुरू नहीं करते? आप सब में ऐसा कौन है जिसका राम प्यारा नहीं है? और यदि आप इस कार्य को नहीं कर सकते तो आपकी वोटों की राजनीति को यह जनता सब समझ गई है। अब इस कार्य को यह जनता स्वयं पूरा करने की शक्ति रखती है। अब इस भारत माता ने फिर से चंद्रशेखर, सुभाष, भगत सिंह, गोविंद सिंह से वीर पैदा कर दिए हैं। आप होश में आओ। देश के ठेकेदारो, ओ कुर्सी के हकदारो, बता दो नीत साफ करके, हो डर के राम ते कहो, डर के राम ते कहो, ओ देश के ठेकेदारो, हकदारो बता दो नीत साफ करके, हो डर के राम ते कहो, नु डर के राम ते कहो। कौन खिलाफ है, किसका मन छल कपट भरा है और किसका मन साफ है, गंगा जल सा कौन पवित्र, किसके अंदर पाप है, राम नाम से दूर कौन है, किसके हृदय में आप है, ओ, राम नाम से कहते क्यों ना हो सरेआम, बताओ किसका ना प्यारा राम, फिर इन भक्तों पे बल भर के, ओ गोली
रहो नुडर के राम ते कहो ओ देश के ठेकेदारो ओ कुर्सी के हकदारो बता दो इंसाफ करके ओ डर के राम ते कहो नुडर के राम ते कहो समझ गई हो अब तो जनता समझ गई थारी राजनीति होशियारी को देश की याद नहीं होगी जय चंदवाड़ी गद्दारी को हिंदू मुस्लिम सिख समझ गए इस थारी मकारी को मंदिर जरूर बनेगा राम का छोड़ो कपट कटारी को मंदिर जरूर बनेगा छोड़ो कपट कटारी थारी देख लई सब बात है कुर्सी के लिए उत्पात भाइयों तुम नया जोश भर के ओ, मत संग कल्प ते बहो नुडर के राम ते कहो ओ देश के ठेकेदारो ओ कुर्सी के हकदारो बता दो निसाब करके ओ के राम ते कहो नुडर के राम ते कहो छोड़ के हिंदू मुस्लिम भेद छोड़ के एक झंडे नीचे आओ इन्हें लड़न दो कुर्सी के लिए तुम बिल्कुल ना धोखा खाओ राम खुदा में फर्क नहीं है मिलके मंदिर बनवाओ देश का गौरव राम की महिमा इस दुनिया को दिखे लाओ देश का गौरव राम की महिमा इस दुनिया को दिखे लाओ गाओ एक है राम रहीम राम रतन तज जो हटी सीम नीम धरो सारे मिल गिर के सारे एकता गहो नुडर के राम ते कहो ओ देश के ठेकेदारों